नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के अंदर कौन कौन सा सिलेबस कोरोना की यानी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कोरोना की वजह से यहाँ पर हटा दी गई हैं, वो चीज़ें आपके सामने हम लेकर आए हैं। ठीक है कि कौन कौन सा टॉपिक आपने करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जो आपके पास चैप्टर पार्ट एक है यानी अध्याय आपके पास एक है, उसके अंदर 1.1 आपके लिए नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आएगा क्या? तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1.3 के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 3 नंबर से, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन टाइप यानी कि 1 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। यानी अगर आप देखें कि जो आपके पास पार्ट एक है वो आपको लगभग 4 से 5 नंबरों के अंदर आपका जो पार्ट नंबर एक है वो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर दो की यानी अभ्यास। इसके अंदर 2.3 हटा दिया गया है यानी कि जो भाग वाले सम थे वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है 2.1 और 2.2। ठीक है, अब आपको पता है कि ज़्यादातर आपसे 2.2 के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.1 से अंदर आपको कोई खास चीज़ें नहीं मिलेगी। तो 2.2 के अंदर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा और कुछ ऑप्शन टाइप हैं जो आपको यहाँ पर इस चैप्टर से मिलेंगे। यानी आप सोच ले कि जो पार्ट एक है वो भी 4 या 5 नंबर का और जो पार्ट नंबर दो है वो भी आपको 4 से 5 नंबर का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका पार्ट नंबर 3 जो कि 3.5 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी आपको 3.1 से 3.4 तक कंटिन्यू रिवाइज करनी है, उसके बाद 3.6 आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे आपको बता दूं कि जो 3.6 है वहां से आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, जो 3.6 का पहला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से रिवाइज करें। और बची बात 3.1 से 3.4 की, वहां पर भी आपसे कुछ बड़े क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर के अंदर कुछ पूछा जा सकता है या फिर ऑप्शन टाइप में आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली इसको भी 4 नंबर तो पक्के हैं। तो अगर इसको मानकर चले कि जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपको 6 या 7 नंबर के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन इतने नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है पार्ट नंबर 4 की जो कि 4.3 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें 4.1 से कोई खास या फिर 1 नंबर का ऑप्शन टाइप ही पूछा जा सकता है। अब 4.2 से यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, या तो एक 3 नंबर का या फिर यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर 4.2 से अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है 3 नंबर का तो आपको 4.4 से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो कि 3 या 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर इम्पोर्ट 4.3 तो है नहीं, तो इसलिए 4.2 और 4.4 में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर आप देखें कि जो अध्याय 4 है वो अध्याय 4 आपको लगभग या फिर आप कह सकते हैं 7 से 8 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अध्याय 4 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके अध्याय 5 की, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आज ने बोला कि 5.3 का जो 15 से 20 यानी कि 15 से 20 तक का जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19 वो नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन आप देखें कि जो 5.1 है, जो आपके पास 5.1, 5.2 और जो बची 5.3, यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको योग ज्ञात करना है किसी भी एपी का, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा।
किसी के अंदर एन का मान, डी का मान, ए का या फिर ए एन का मान ज्ञात करना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। तो 5.1 में से बिल्कुल ही कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ज्यादातर आपके लिए इम्पोर्टेंट है 5.2 और 5.3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे छोटे छोटे, यानी कि जो 12, 13, 14 जो प्रश्न है 5.3 में, और वैसे ही क्वेश्चन अगर आपको, यानी कि अगर एक उदाहरण के तौर पर बोलूं कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होंगी या 4 से भाग होंगी, ऐसे क्वेश्चन 5.2 और 5.3 से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मानकर चले कि जो चैप्टर 5 है वहां से आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है प्रश्नावली 6 चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें प्री में जो 6.6 है और 6.9 है वो हटा दिया गया है। इसके अंदर आपको मिलेगा 6.1 से 6.5 तक, यहाँ से आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर ये ऑप्शन टाइप के अंदर, या फिर एक क्वेश्चन जो कि क्या 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार ध्यान से देखें एग्जाम से पहले। उसके बाद आता प्रश्नावली 7, इसके अंदर जो अभ्यास है प्रश्नावली 7.3 को हटा दिया गया है। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बचा, 7.1 और 7.2। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। जो प्रश्नावली 7.1 है उसके 7 से और 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, वहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं 7.1 के अंदर से। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, वो आपको 4 नंबर के अंदर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सपोज करो कि 7.1 से क्वेश्चन आपको नहीं मिले, तो तब आपको 7.2 से जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 7.2 का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक 4 नंबर के अंदर मिल सकता है, ठीक है। चांसेस हैं 7.1 से भी एक क्वेश्चन पूछा जाए और 7.2 से भी वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको 7.1 और 7.2 कंप्लीटली रिवाइज करनी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 8, जो अध्याय 8 है आपका, उसके अंदर आपको अभ्यास 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 नहीं करना। तो अब आपके पास बचा 8.1, 8.2 और 8.4। और आपको मैं बता दूं कि इसमें आने के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कौन से आने के चांसेस हैं, तो 8.1 में से ये ज्यादातर बहुविकल्पीय प्रश्न ही उठाएगा, ठीक है। बची 8.2, यहाँ से भी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें सारणी की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी जैसे sin 30, sin 45, tan 90, इस तरीके के मान वो पूछ सकता है, ठीक है। और साथ में इसका तीसरा चौथा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी एक बार जरूर रिवाइज कर ले। 8.4 में से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा एग्जामिनर 8.4 में से, जो कि 5वें ही प्रश्न से लिया गया है। 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है वहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर का ये जरूर से जरूर पूछेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि जो 8 का चैप्टर है वो आपको कितने नंबर तक आने के चांसेस हैं, तो एक 5 नंबर का 2 से या 3 आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे। तो 7 से 8 नंबर के ये क्वेश्चन आने, मतलब नंबर आने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 9 की, सॉरी अध्याय 9 में से कोई कैंसिल नहीं है, अध्याय 9 और 10 वो आपको पूरा ही करना है, ठीक है। अब थोड़ी जानकारी दे दे कि जो अध्याय 9 है आपका, वहां से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 8 का चैप्टर के अंदर अथवा में मिलेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 8 का और एक क्वेश्चन 9 का, और उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 10 का जो चैप्टर है वहां से भी एक 4 नंबर या फिर 3 नंबर के अंदर और कुछ बहुविकल्पीय नंबरों में से पूछ सकता है, ठीक है। यानी बहुविकल्पीय तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 3 या 4 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इन नंबरों का जरूर देगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं अध्याय 11 के अंदर। इसने बोला है कि 11.1 प्रश्नावली जो दो से जो प्रश्न है 2 से 7 हटा दिए गए हैं। तो 11.1 का आपको पहला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर में आने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर 4 में वो आए ही आएगा। ठीक है, यानी कि 5 में आने के चांसेस हैं लेकिन 4 नंबर के अंदर 1.1 का पहला क्वेश्चन आए ही आएगा। इसको रट लें, इसको अच्छी प्रकार समझ लें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं 11.2 की। 11.2 के सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन उठाकर 4 नंबर या 5 नंबर में आपको दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 11 जो चैप्टर है वो आपको कितने नंबर के अंदर देखने को मिलेगा। तो 11 चैप्टर के अंदर आपको 6 या 7 नंबर का ही आपको इतने नंबर के ही आपको क्वेश्चन देगा। अब बात करते हैं अगली चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, और इसने बोला कि 12.2 का प्रश्न नंबर 7 हटा दिया गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 12.1, 12.2 का 7 नहीं है लेकिन बाकी क्वेश्चन तो है, और 12.3। अब मैं बता दूं कि 12.2 में बहुविकल्पीय एक एक ही क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब आते हैं 12.2 में। 12.2 में आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेगी, एक होता है त्रिज्यखंड, ठीक है, और एक आपको पढ़ने को मिलेगा वृत्तखंड। ठीक है, दो चीजों में से ही, लेकिन ज्यादातर आपको त्रिज्यखंड से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर आपको 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है 12.2 के अंदर। अब बात करते हैं 12.3 की। 12.3 में आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि 12.3 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, रिवाइज तो सभी करने, लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 7 से 8, वे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12 का जो चैप्टर है वो आपको कितने नंबरों में से आपको मिल सकता है। तो जो 12 का चैप्टर है वो आपको लगभग अराउंड 10 नंबर का आपको चांसेस है कि ये आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल आसान एक्सरसाइज। अब बात करते हैं प्रश्नावली 13 के अंदर। इसने बोला कि प्रश्नावली 13.4 हटा दी गई है, यानी कि जो शंकु का छिन्नक है वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अब आपके पास 13.1, 13.2 और 13.3 में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसी भी आकृति का, यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो 13.3 के अंदर ये बोलेगा कि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई गई है, उसके अंदर आप वृत्त, त्रिज्या, व्यास या फिर किसी भी आकृति की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ बहुविकल्पीय 2 से 3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर बात करते हैं कि कितने नंबर का आएगा, तो 13 चैप्टर है वो भी लगभग 5 का तो एक क्वेश्चन हो गया, 7 से 8 नंबर का आने के चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 14 की। तो अध्याय 14 के अंदर आपको पग विचलन विधि और 14.4 को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 14.1, 2 और 3, ये तीनों आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि 4 तो आपका हट चुका है। तो यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको माध्य और यहाँ पर बहुलक और यहाँ पर 14.3 में माध्य ज्ञात करना है। तो एक चीज के आपके लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको हर एक एक्सरसाइज में से किसी भी दो एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वह 14.12 हो या फिर 14.2, 14.3 हो या फिर 14.1 और 14.3 हो। यहाँ से कहीं ना कहीं आपसे दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा अथवा में, या तो आप 14.1, 2, 3 का करें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, तो आप माध्य से करें या फिर बहुलक या फिर आप माध्यक विधि से उसको हल करें। ठीक है, यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो राउंड ऑफ यहाँ से 6, 5 या 6 नंबर का ही आपको 14 का चैप्टर मिलेगा। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना का बिल्कुल पक्का चांस है। ठीक है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखें। अब उसके बाद अध्याय 15 आपका पूरी तरीके से, यानी हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां से कोई भी चीजें, कोई भी क्वेश्चन कट नहीं किया गया है, तो ये भी आपको
तीन या चार नंबर में से और कुछ बहुविकल्पीय पूछे जा सकते हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको तीन या चार में मिलेगा और दो से तीन क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय। तो इसको भी राउंड ऑफ 5 या 6 नंबर के अंदर ही लेके चलते हैं कि जो 15 का चैप्टर है वो 5 या 6 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसी और वीडियो और सिलेबस के लिए, या फिर मैथ के अंदर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर जो पैटर्न है 2021 का मार्च के अंदर किस तरीके का एग्जाम आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।